exam pattern. What is NEET? NEET is a So, hello students, my name is Rukhsar and welcome back to our channel. Today we will discuss about NEET exam pattern. What is NEET? NEET is a national eligibility cum entrance test. This is the full form of NEET. And today we will discuss about the exam pattern. So, introduction to NEET. इसका purpose exactly होता क्या है? Purpose इसका ये होता है, ये entrance test है, जो कि admission लेने के लिए undergraduate colleges, like medical colleges में आपको admission लेने के लिए ये एक test होता है. अब जो कि इंडिया में होता है ओनली नीट एग्जाम ओनली इन इंडिया ओके इसको कंडक्ट कौन कराता है मेन बात यही है कि हमारी इसको कंडक्ट कौन कराता है इसको कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इट इज NTA इसको कंडक्ट कराती है एंड आफ्टर दैट इसका मोड कैसा रहता है ये पेन एंड पेपर टेस्ट होता है पेन एंड पेपर टेस्ट में लाइक आपको हॉल में पेन एंड पेपर टेस्ट के थ्रू आपको अपना ये एंट्रेंस टेस्ट देना होता है अपार्ट फ्रॉम दिस अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप इस टेस्ट के लिए किस मेथड से आप एलिजिबल हो ये देखते हैं एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स एंड अपर एज लाइक आप कब तक अपने एग्जाम को अपने एज लिमिट तब तक आप दे सकते हो सो इट इज 25 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी वी हैव 30 इयर्स तक आप अपने एज 30 एज तक आप दे सकते हो ये एग्जाम अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 लाइक 11th एंड 12th आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए ओके एंड वो भी कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए सो सब्जेक्ट्स आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपका ये 12th पास आप होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए आफ्टर दैट अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास ये तीन जो हमारे मेन सब्जेक्ट है वो होने चाहिए लेकिन इनमें मार्क्स कितवाइज हम देखें तो कैटेगरी वाइज हमारा एससी एसटी ओबीसी और कोई अदर कैटेगरी का होता है सो उसको 40% मार्क्स अगर उसके 12th में है विद पीसी बी एंड एम सॉरी इट्स पीसीबी ओनली सो पीसीबी अगर उसके पास है एंड 40% उसके मार्क्स है तो वो भी इसमें एलिजिबल है नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें सिलेबस क्या है फॉर नीट एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस का पता होना प्रॉपर जरूरी होता है क्योंकि अगर आप सिलेबस को कवर कर पाओगे तभी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे सो सिलेबस आप किसके थ्रू कवर कर सकते हैं सिलेबस आपका बेस्ड होता है पूरा एनसीईआरटी पर जो भी आपने 11th एंड 12th में पढ़ा होगा ठीक है उस पर ही आपका बेस्ड रहता है ये एनसीईआरटी बेस पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इन केमिस्ट्री तो लाइक ये सब आपको पढ़ना पड़ता है जो कि बेस्ड है पूरा एनसीईआरटी पर अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसका एग्जाम स्ट्रक्चर देखते हैं लाइक इसमें एग्जाम जो क्वेश्चंस वगैरह कैसे टाइप में आते हैं सो इसकी ड्यूरेशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है 3 आवर्स लाइक आपको 3 आवर्स का पेपर देना होता है इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 आवर्स इसका मोड जो होता है हमारा ये होता है ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट होता है सीबीटी नहीं होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है सो सीबीटी हमारा नहीं होता है क्या होता है हमारा पेन एंड पेपर टेस्ट पेन एंड पेपर टेस्ट मीन्स आपको हॉल में वहां पे ओएमआर शीट दी जाएगी ओएमआर शीट दी जाएगी आपको उसमें आपको जो भी आपका राइट है वहां आपको वो फिल करना होता है उस सर्कल को अपार्ट फ्रॉम दैट इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं
200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें से आपको 180 टोटल मिला के अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉरी, सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे सब्जेक्ट्स जो है हमारे वो कितने कितने क्वेश्चंस जो है कंटेन करते हैं इस पेपर में। सो फिजिक्स में हमारा, सॉरी, फिजिक्स में हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको अब क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट जितने आप कर सकते हैं, तो लाइक पूछे गए क्वेश्चन हमारे कितने हो गए 450, और हम इसमें से अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, सो इट्स 35। एंड इन बायोलॉजी देयर इज 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन को सिर्फ बायोलॉजी से नहीं पूछ रहा, वो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन बॉटनी प्लस आपका ये आ गया जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी का आपका टोटल मिला के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से 100 क्वेश्चन पूछता है। अब बायोलॉजी में आप कितने 100 में से आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो 70। अगर आप 70 करते हो तो दैट्स गुड, आप 70 अटेम्प्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखते हैं हम मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी। लाइक आपने पेपर दिया, अब इसके बाद वो चेक कैसे होंगे ये भी तो देखना जरूरी है। सो लाइक इसमें चेक करने का तरीका जो है हमारा, वो अगर आप कोई करेक्ट करते हो आंसर, लाइक जैसे आपने ये चार ऑप्शन थे गोले के, आपने ये वाला फिलअप कर दिया, ठीक है, आपने ये फिलअप कर दिया, अगर ये राइट हुआ तो आपको इस पे प्लस 4, लाइक प्लस 4 मीन्स आपको 4 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेंगे। वहीं अगर आपने इनकरेक्ट आंसर किया सो उसमें क्या होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, लाइक प्लस 4 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, मगर जो सही भी होगा उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अनअटेम्प्टेड करते हो क्वेश्चन को, जो कि आप अटेम्प्ट ही नहीं करते उन क्वेश्चन को, वो उन क्वेश्चन के आपको 0 मार्क्स, मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी, जैसे मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग का बताया था। अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल मार्क्स हमारा जो कंटेन करता है प्लस 4 जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स अटेंड करता है, सो कंटेन करता है लाइक 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता हमारा। फिजिक्स में ये टोटल मार्क्स 140, केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स 140, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी को मिला के इट्स 280 मार्क्स। तो टोटल करने पर ये क्या आ जाता हमारा 720। ये हमारा अब आ गया सेक्शन इन द पेपर। अब पेपर में कितने सेक्शन है हमारे, 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में हमारे 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन बी में हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं। अब सेक्शन बी में जो हमारे 15 क्वेश्चन है, ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, जो कि आप अटेम्प्ट करना चाहो या नहीं करना चाहो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको आते हैं तो आप अटेंड कीजिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मत कीजिए। इसके लिए आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा अगर वो, लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है, अगर आप वो स्कोर मतलब करेक्ट करते हैं वो आंसर, तो आपको उसमें स्कोर जो है वो ऐड हो जाएगा। लाइक अगर आपको उसमें से क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में से और आपने अटेम्प्ट किया है तो वो ऑप्शनल में, लेकिन आपने अटेम्प्ट की है तो उसमें अगर आपका राइट आंसर होगा तो वो आपको ऐड हो जाएगा आपके मार्क्स में। इसके बाद इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिलता है, लाइक हमारे एग्जाम को आप किस किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके, हिंदी हमारी मातृभाषा, इट्स अ लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस ये 13 रीजनल लैंग्वेज में इसमें भी आप दे सकते हैं, 13 रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपके स्टेट वाइज लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, आप इनमें अपने एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं या दे सकते हैं।
लाइक इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब प्रिपरेशन करें कैसे इस एग्ज़ाम की, क्योंकि नीट जो है हमारा नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है थोड़ा, तो इसमें स्टडी को आप रेगुलरली करना पड़ता है आपको। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा, हमने दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर से किताब खोल ली, लेकिन ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। इसकी प्रिपरेशन जो है, सॉरी, इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत रेगुलरली मोड में करनी पड़ेगी, और पूरा आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके सिलेबस को फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बेस्ड किस पे है, ये एग्ज़ाम एनसीईआरटी पर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हो, लाइक आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, अपने आप को फैमिलराइज करोगे मॉक टेस्ट से, क्योंकि आप जितनी मॉक टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर देते रहोगे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि आपको लाइक कहाँ किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है, और आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था 3 आवर का पेपर है आपका, अब 3 आवर का पेपर है उसमें 720 का मार्क्स है, क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, सो आपको 3 आवर में वो कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके कहीं आपकी रैंक बन पाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिपरेशन टिप्स तो हमने देख ली, अब हमारे रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेस लाइक आप किन किन से, मतलब अपने रिसोर्स को, कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, लाइक बुक्स जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी टेस्ट बुक्स पे, या फिर कोई रेफरेंसेस बुक्स, लाइक फॉर फिजिक्स, ओनली फॉर फिजिक्स यू कैन गो फॉर द रेफरेंस बुक्स, इफ यू गो फॉर द बायो यू कैन टेक रेफरेंस बुक्स फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी कंटेन कर सकते हो, लाइक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में आप ले सकते हो जो आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराए, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराए, लाइक एक गाइडेंस से आपको कोई पढ़ाए, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आपको पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, प्लस टाइम टेकिंग भी हो सकता है, सो आपको गाइडेंस की होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो हमने नीट के एग्ज़ाम के बारे में आज पढ़ा, थोड़ा सा जाना, सो ये हमारा ओवरऑल नीट की प्रिपरेशन का रूल होता है। सो थैंक यू सो मच। Thank you.